जय हिंद दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे बॉडी फ्ल्यूड एंड सर्कुलेशन के जितने भी एन सी आर टी क्वेश्चन है यानी एन सी आर टी बेस्ड क्वेश्चन है सारा कराएंगे और आपको ये बताएंगे कि एन सी आर टी के किस लाइन से किस पेज से जो है यह क्वेश्चन को लिया गया है आपको क्या करना है एन सी आर टी साथ में रखना है और वहाँ पर टिक करना है और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन है द ओपनिंग प्रजेंट इन द आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम बिटवीन लेफ्ट आरटीएम इन लेफ्ट वेंट्रिकल के लेफ्ट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाई जैसे हम लोग जानते हैं हार्ट है हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं चार चैम्बर दो आरटीएम होता है और दो वेंट्रिकल होता है इसे बोलते हैं राइट आर्ट्रियम इसे बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम इसे बोलते हैं राइट वेंट्रिकल इसे बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल यानी ये पूछ रहा है कि लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा बल्ब होता है तो इधर होता है बाइक स्पीड बल्ब जिसे हम लोग मिट्रल वल्ब भी बोलते हैं लेकिन जो है राइट साइड अगर पूछता तो उधर होता है ट्राइक स्पीड बल्ब तो यहाँ लेफ्ट साइड पूछा है इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा बाइक स्पीड बल्ब और साथ साथ ये भी याद रखना है कि ये क्वेश्चन जो है एन का पेज नंबर थ्री टू एट्टी थ्री से लिया गया है देखिए कोई अगर नया वाला एन यूज़ कर रहा है तो आपका जो है ये आगे पीछे पेज नंबर हो सकता है तो उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा ठीक है चलिए तो आंसर हो गया आपका बाइक स्पीड वाल दूसरा है एवरेज रेट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट इज़ यानी कि हार्ट बीट दिल कितने बार धड़कता है एक मिनट में इसकी बात कर रहा है यानी हार्ट बीट कितना बार हो रहा है तो ये भी पेज नंबर जो है टू एट्टी फोर से लिया गया है आपको करना क्या है वहाँ पे टिक कर लेना है आपको राइट right आंसर इसका मिल जाएगा तो देखिए अकॉर्डिंग टू एन इसका आंसर जो है एवरेज जो एवरेज जो हार्ट बीट होता है सेवेंटी टू होता है पर मिनट ठीक है आंसर हो गया आपका टू नेक्स्ट ई न्यूक्टेड सेल प्रजेंट इन द ब्लड आर ब्लड में कौन ऐसा सेल है जो ई e न्यूक्यूलेटर होता है जैसे हम है कि हम लोग जानते हैं कि आर जो है वो ई e न्यूकुलेटर होता है ई e मतलब हो गया विदाउट न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता है वो क्या होता है ई न्यूक्टर होता है और जिसमें न्यूक्लियस होगा उसे बोले न्यूक्टर बोलेंगे तो हम जानते हैं कि आर में न्यूक्लियस नहीं होता जिसे बोलते हैं इरेथ्रोसाइट तो आर का दूसरा नाम है एरेथिरोसाइड तो आर में न्यूक्लियस नहीं है इसका मतलब है एरेथरोसाइड में न्यूक्लियस नहीं है तो आप न्यूट्रोफिल क्या है मोनोसाइड क्या है टी टील्बोसाइड क्या है ये सारे जो है डब्ल्यू का टाइप है तो डब्ल्यू में न्यूक्लियस पाया जाता है तो ये तो आंसर नहीं होगा आंसर हो जाएगा थ्री नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपको मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है कि पहला हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है कि हार्ट का मसल सडनली डेमेज होना क्योंकि उसमें ब्लड सप्लाई कम होने लगता है तो हार्ट मसल जो है डैमेज कर जाता है इस हिसाब से आंसर उसका तीन हो जाएगा यानी कि एक ए का हो जाएगा थ्री हार्ट फेलियर क्या होता है अगर हार्ट बीटिंग करना स्टार्ट मतलब स्टॉप कर दे दिल धड़कना रुक जाए तो उससे बोलते हैं हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट क्या होता है तो अगर ब्लड ब्लड पम्प करना अगर हार्ट ब्लब ब्लड को पंप ना कर पाए तो उसे बोलते कार्डिक अरेस्ट हो गया है इस हिसाब से आंसर देखिए तो आपका फोर नंबर आंसर हो रहा है नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है कि द रिटर्न ऑफ वेंट्रिकल फ्रॉम एक्साइटेड टू द नॉर्मल स्टेट रिप्रेजेंट इन ई सी जी बाय द वेब ऑफ लेवल यानी वेंट्रिकल की बात कर रहा है वेंट मतलब बोल रहा है कि वेंट्रिकल जो है एक्साइटेड से रिटर्न आ रहा है मतलब सिस्टोल से डायस्टोल में आ रहा है तो डायस्टोल के लिए कौन सा दिखाए थे तो ये तो था ये जो है सिस्टोलिक होता है इधर है डायस्टोल तो आपका राइट आंसर जी हो जाएगा डाइस्टोल तो जी का जी किस में है तो फोर में तो आंसर फेर फोर हो गया आपका नेक्स्ट मैक्सिमम फिलिंग इन ब्लड इन अ वेंट्रिकल अकर्स ड्यूरिंग तो मैक्सिमम जो है ब्लड ब्लड जो है फील वेंट्रिकल में कब होता है तो जिस टाइम जॉइंट डाइस्टॉल होता है तो जॉइंट डाइस्टल क्या होता है जब आर्कल और वेंट्रिकल जो है दोनों साथ में डाइस्टल स्टेज में चला जाता है तो उसे बोलते हैं जॉइंट डाइस्टोल ये जीरो पॉइंट फोर सेकेंड तक होता है ठीक है तो उसी समय मैक्सिमम ब्लड फिलिंग होता है आंसर हो गया आपका टू नंबर नेक्स्ट देखो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड हार्ट बीट हर्ट साउंड ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल यानी कार्डियक साइकिल में जब सेकेंड हर्ट साउंड होता है तो वो कब होता है ये जानना है बस देखो फर्स्ट हर्ट साउंड तो होता है जब आर्टी वेंटिकुलर जो वाल्व होता है जब ओपन होता है तो फर्स्ट हर्ट साउंड आता है और सेकेंड कब आता है जब सेम्यलोनर वाल्व जो है सेम्युलना वाल्व जो है क्लोज uh, होता है तो सेकेंड हर्ट साउंड आता है तो उसी हिसाब से आंसर देखिए पहला बोला इट इज़ एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेम्योना वाल्व एट द बिगनिंग ऑफ वेंटिकुलर सिस्टोर गलत बात है बिगनिंग नहीं सबसे लास्ट में होना चाहिए था तेंटिकुलर तो जब वेंटिकुलर बिगिनिंग कहेगा तो गलत हो जाएगा दूसरा देखो इट इज़ द इट इज़ प्रोड्यूस आफ्टर अ इंटरवल ऑफ जीरो पॉइंट एट सेकेंड फ्रॉम द हट फर्स्ट हर्ट साउंड नहीं गलत बात है नेक्स्ट देखो इट इज़ लोअर पिच एंड कैन नॉट बी ईजीली हेर्ड द नहीं गलत बात है इसका पिच जो है हाई होता है और स्थेथोस्कोप तो से सुन सकते हैं तीसरा नंबर है इट इज़ एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमिलोनर वर्ल्ब एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर डाइस्टल्स बिल्कुल सही बात है डाइस्टोल वेंट्रिकुलर डाइस्टोल के बिगिनिंग में यानी क्या होगा ताकि ब्लड का बैक फ्लो ना हो सके यानी वेंट्रिकल से जब वेंट्रिकल में सिस्टोल हुआ तो ब्लड चला गया आर्ट्रियम में और कहाँ चला गया पल्मोनरी आर्टरी में तो अब जब डाइस्टॉल होगा जब हार्ट जो रिलैक्स स्टेट में आएगा हो सकता है कि ब्लड रिटर्न आ जाए इसीलिए वो वल्व बंद हो जाता है तो डाइस्टोल के समय सेमिलिनर वल्ब बंद होगा इसके दूसरा साउंड आएगा जिसे हम लोग बोलते हैं एस टू साउंड या फिर सेकेंड हर्ट साउंड क्वेश्चन नंबर एट है क्या कह रहा है? मायोकार्डियल इस्टेमिया लीड टू सिम्टम्स एक्यूट चेस्ट पेन ड्यू टू चेस्ट पेन कब होता है एंजीनापेक्टोरिज में एंजिनापेक्टोरिज क्या होता है जब हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन की कमी हो जाता है तो चेस्ट पेन होने लगता है तो राइट right आंसर आपका हो जाएगा थ्री नंबर ठीक है क्वेश्चन है कि न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर यानी दोनों अलग है इन ऑल द ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट यानी कि इसमें एक ही सिमिलरिटी है बाकी सब डिफरेंसेस है तो यहाँ पे ये पता लगाना कि न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट में क्या सिमिलरिटीज़ है सबसे पहली बात बताना चाहेंगे कि दोनों है डब्ल्यू का ही टाइप है और दोनों का काम है फेगोसाइटिक इफेक्ट जो फॉरेन पार्टिकल को मार देता है खा जाता है तो देखते हैं आंसर क्या है बोला कि द सेप ऑफ दियर न्यूक्लियस इन मेच्योर फॉर्म हाँ दोनों का जो है सेब ऑफ न्यूक्लियस जो है अलग होता है क्योंकि मोनोसाइट का किडनी सेब होता है और न्यूट्रोफिल का अलग होता है नेक्स्ट देखो दूसरा ऑप्शन देखते हैं दे आर कंट्री कंट्रीब्यूशन टू द टोटल डब्ल्यू बी सी कंटेंट ऑफ ब्लड ये भी सही बात है कि दोनों का अलग होता है उसके बाद दे आर मोड ऑफ एक्शन अगेंस्ट द फॉरन ऑर्गेनिज्म तो ये बिल्कुल सही बात है दोनों का जो है फॉरेन ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में जो मोड ऑफ एक्शन है यानी कि फेगोसाइटिक इफ़ेक्ट जो है दोनों ही करता है यानी कि दोनों इसमें सिमिलरिटीज़ है बाकी सब नहीं है तो आंसर हो जाएगा आपका थ्री नंबर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन क्लोटिंग फैक्टर इनमें से क्या किसमें क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता है जैसे कि हम लोग जानते हैं ब्लड से ब्लड से ब्लड से अगर हम लोग जो है क्लोटिंग फैक्टर को निकाल दें तो बन जाता है सीरम तो आपका आंसर हो जाएगा थ्री सीरम क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट में रिगार्डिंग डबल ब्लड सर्कुलेशन ठीक है ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है ठीक है देखो यानी डबल सर्कुलेशन की बात कर रहा है पहला देखो कि पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट बाय पंपिंग द डी ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल इन द लंग्स यहाँ तक तो सही है पल्मोनरी से वहाँ से स्टार्ट होता है एंड इट्स रिटर्न टू ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट आर नहीं यहाँ जो आता है ये गलत पॉइंट है यह राइट right आर में लंग्स रिटर्न नहीं आता है यह लेफ्ट आर में आता है तो पहला ऑप्शन गलत है दूसरा देखते हैं सिस्टमेटिक सर्कुलेशन स्टार्ट विथ पंपिंग ऑक्सी यहाँ तो पहले ही गलत है भाई सिस्टमेटिक सर्कुलेशन नहीं नहीं सही है सही है पहला पॉइंट सही है एक मिनट हाँ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन स्टार्ट विथ पंपिंग ऑफ ऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंटिकल थ्रो द आरोटा टू ऑल बॉडी पार्ट एंड रिटर्न टू द यहाँ तक सही है यहाँ तक सही है आगे देखो एंड रिटर्न ऑफ द ब्लड इन द डी ऑक्सीजनेटेड फॉर्म इन टू द लेफ्ट आर टी एम नहीं लेफ्ट आर टी एम में नहीं है राइट आर टी एम में रिटर्न होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रो द वेन तो यहीं पर गलत है यानी कि ए और बी दोनों का दोनों जो है स्टेटमेंट गलत है तो आंसर देखो तो एक नंबर में देखो ओनली ए इज करेक्ट गलत बी नंबर में देखो ओनली बी इज़ करेक्ट नहीं दोनों दो इनकरेक्ट है ए बी दोनों करेक्ट नहीं ए बी बोथ आर इनकरेक्ट यही सही है यानी कि फोर नंबर सही होगा ग्यारह नंबर देखो सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नोडल टिश्यू ऑफ द हार्ट यह भी जो है एन सी आर टी का पेज नंबर टू एट्टी फोर से लिया गया है आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है किसके रिस्पेक्ट में तो नोडल टिश्यू के रेस्पेक्ट में पहला देखो द इंटायर नोडल टिशू फ्रॉम साइनो ऑरिकुलर आरटीएल नोड यानी कि ऐसे नोड की बात कर रहे हैं यहाँ पे साइनो आर्टीएल नोड टू प्रोक्ंजय फाइबर हैज द एबिलिटी टू जनरेट द एक्शन पोटेंशियल बिल्कुल सही बात है क्योंकि ऐसे नोड ऐसे नोड भी जनरेट करता है और प्रोक्विंज फाइबर भी जनरेट कर सकता है उसका ऑल पार्ट ऑफ नोडल टिशू कैन कैन जनरेट सेम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर नहीं भाई साहब सब अलग अलग होता है सबसे ज्यादा एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है एस नोड उसके बाद जो है एवी नोड उसके बाद बंडल ऑफ ऑफिज सबसे कम करता है प्रकुंज फाइबर तो सेम तो नहीं कर सकता है ना यही तो इनकरेक्ट है आंसर हो गया आपका दो नंबर द टोटल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज तो जीरो पॉइंट एट सेकेंड होता है आंसर ए नंबर हो जाएगा यह भी पेज नंबर टू एट्टी फाइव से लिया गया है नेक्स्ट देखो द ब्लड द ब्लड ग्रुप विच लेक एंटीजन ऑन आर बी सी ऐसा ब्लड ग्रुप जिसके आर बी सी में जो है एंटीजन नहीं होता है तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या ओ ब्लड ग्रुप ओ ब्लड ग्रुप तो यानी कि तीन नंबर तो गलत हो जाएगा पहले या तो वन या तो टू या तो थ्री फोर होगा नेक्स्ट एंड ह्यूमन विथ दिस ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम डोनर हुज ग्रुप क्या लिखा है हुज़ ब्लड ग्रुप इज़ डैस वह किससे ब्लड ले सकता है सिर्फ़ और सिर्फ ओ से ले सकता है ठीक है द ऑप्शन देट फिल बोथ द्लेंक करेक्टली देखिए जिसके पास एंटीजन नहीं है उसका ब्लड ग्रुप ओ होता है और वह हाँ जो है सिर्फ और सिर्फ ओ से ही ले सकता है बाकी किसी से नहीं ले सकता है तो आंसर हो जाएगा आपका एक नंबर नेक्स्ट देखो ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन इज कैरीड टू द लीवर वाया बिफोर इट इज रिटर्न टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन द करेक्ट ऑप्शन विथ फिल द ब्लैंक्स इज तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हैपेटिक पोर्टल वेन कहाँ पे है तो दो नंबर पे हैपेटिक पोर्टल वेन नेक्स्ट द एवरेज कार्डिक आउटपुट इन हेल्दी इंडिविजुअल इज फाइव लीटर तीन नंबर सही है यहाँ पे भी आगे पीछे हो गया ऑप्शन इसको हम सही कर देंगे नेक्स्ट कॉर्डिक टेंडाइनी इन द हर्ट आर क्या होता है ये तो ऑप्शन पर पहला ऑप्शन है कि कनेक्शन बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड आयोटा ड्यूरिंग द इम्ब्रोनिक स्टेज नहीं थीन फाइबर ऑफ वेंट्रिकुलर नोडल जो नहीं कनेक्शन बिटवीन द कस्पिड वॉल्ब यानी बाइक स्पीड ट्रैक स्पीड की बात कर रहा है एंड द पेपलरी मसल्स ऑफ वेंट्रिकल बिल्कुल सही बात है मसल मसाला वेंट्रिकल के साथ जो है कस्पिड वाल्व का जो कनेक्शन होता है उसे बोलते हैं कॉर्डी टेंडाइनी ठीक है आंसर हो जाएगा थ्री नेक्स्ट देखो हार्ट इज प्रोडक्टेड बाय डबल लेयर मेम्ब्रेनस बैग कोल्ड तो इसे हम लोग बोलते हैं पेरी कार्डियम यानी कि उसके आउटर लेयर जो होता है पेरिकार्डियम बोला जाता है वो डबल लेयर का होता है आंसर हो जाएगा थ्री नेक्स्ट इंडिविजुअल विथ विच ब्लड ग्रुप हैज़ बोथ ए एंड बी एंटीजेन ऑन द सर्फेस ऑफ आर बी सी तो सरफेस ऑफ आर बी सी की बात करते हैं ए बी पॉजिटिव के बाद हो रहा है ए बी पॉजिटिव आंसर हो जाएगा टू नेक्स्ट ब्लड प्रोटीन दैट मेनली हेल्प इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस इज ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए कौन सा ब्लड प्रोटीन होता है तो अल्बुमीन होता है ठीक है अलबुमीन नेक्स्ट कम्प्लीट द एनोलोजी विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल काउंट प्रजेंट इन द ब्लड पर एम एम क्यूब इरेट फाइव से फाइव मिलियन उसका थ्रोम्बोसाइड कितना होता है तो डेढ़ लाख से साढ़े तीन लाख होता है यही वाला आंसर तीन नंबर हो जाएगा आंसर विच एमंग दॉलोइंग इज नॉट फॉर्म्ड एलिमेंट ब्लड यानी इनमें से कुछ को फॉर्मड एलिमेंट में नहीं रखा गया है तो प्लाज्मा प्रोटीन को बाकी सब आप रेथ्रोसाइड लिकोसाइड प्लेटलेट्स रेथ्रोसाइड को आर बोलते हैं लिकोसाइड को डब्ल्यू बोलते हैं ये हो गया आर ये है डब्लू और ये है प्लेटलेट्स ये तीनों को हम लोग बोलते हैं क्या ये तीनों को फॉर्म डेलीमेंट प्लाज्मा प्रोटीन को फॉर्म एलिमेंट नहीं बोलते हैं आंसर हो जाएगा फोर नेक्स्ट ड्यूरिंग ज्वाइन डाइस्टोल ऑल द फोर चैम्बर ऑफ हार्ट आर इन तो चारे के चारों चैंबर जो है रिलैक्स स्टेट में चला जाता है उस टाइम ज्वाइन डाइस्टोल में ये भी पेज नंबर टू फाइव से लिया गया है दो नंबर सही है नेक्स्ट द ओरिजिन ऑफ हार्ट इज ह्यूमन हार्ट का ओरिजिन क्या होता है तो मेजोडर्मल ओरिजिन होता है कैसा होता है मेजोडर्मल ठीक है आंसर थ्री हो गया नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज लास्ट गेट टू डिपोराइज इन द कार्डियक साइकिल तो साइकिल को डिप्रोलाइज करने के लिए लास्ट वाला बोल रहा है लास्ट तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रकुंजा फाइबर जो वेंट्रिकल के वाल पे होता है तो आंसर हो गया थ्री पहले आपको ये बताना चाहेंगे अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ पे इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे बहुत इम्पोर्टेंट है और बार बार इसे जो है आप देखते रहिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा हाँ तो क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं कि इमीडिएट मिम्ब्रेन कवरिंग द मेमेलियन एग यानी ममेलियन एग जो होता है जिसे हम लोग बोलते ओवम उसके कवरिंग को क्या बोलते हैं तो वो होता है वेटेलाइन मिम्ब्रेन वेटेलाइन मिम्ब्रेन तो ये जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में जो है इसी तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा सी वेटेलाइन मिम्ब्रेन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केमिकल सबिस्टांस प्रजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्पर्म ये स्पर्म है इसके सरफेस पे यानी हेड पे कौन सा केमिकल होता है जिसे बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजीन जो ह्यूमन एग को अट्रैक्ट करता है और ह्यूमन एग के पास होता है फर्टिलाइजीन तो याद रहना चाहिए आपको तो आंसर हो जाएगा एंटी फर्टिलाइजीन आंसर बी हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन है कि ब्रेकिंग ऑफ एक्रोजोम मिम्ब्रेन इज यानी कि एक्रोजोम जो है ओवम के मिम्ब्रेन को ब्रेक करता है इसके लिए एक टर्म यूज होता है जिसे बोलते हैं एग्लूटिनेशन एग्लूटिनेशन इसे बोलते हैं एग्लूटिनेशन तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर बहुत ही फ्रेश क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चन आने की संभावनाएँ मैक्सिमम है इसीलिए आप जो है इसे सेव करके रख लेना है देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न यानी मियोटिक डिवीज़न बोले या मियोसिस डिवीज़न बोले मियोटिक को मियोसिस भी बोलते हैं तो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न के बाद मतलब लास्ट में एंड में एक बनेगा मेल जर्म सेल जो डिफ्रेंसीड हो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड देखिए मेल जर्म सेल से जो है माइटोसिस होगा तो बनाएगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस होगा मियोसिस फर्स्ट होगा तो बनाएगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में जब मियोसिस सेकेंड होगा तो बनाएगा स्पर्मेटिड यही स्पर्मेटिड जो है कन्वर्ट हो जाता है स्पर्मेटोजोआ में यानी कि स्पर्मेटिड के कुछ मोर्फोलॉजिकल चेंजेज आता है और बन जाता है इस्पर्मेटोजोआ उसके लिए एक टर्म यूज होता है मियोजेनेसिस याद रखेगा दोस्तों मियोजेनेसिस क्या होता है तो कन्वर्जन ऑफ स्पर्मेटिड इंटू स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म बोलेंगे ठीक है उसके बाद एक होता है स्पर्मिएशन जैसे ही स्पर्म में कन्वर्जन हो गया स्पर्मेटिड का तो स्पर्म का हेड जो है सर्टोली सेल में इम्बेडेड रहता है धस जाता है फॉर न्यूट्रिशन के लिए जैसे ही उसको पूरा प्रॉपर न्यूट्रेशन मिल जाता है वो मैच्योर हो जाता है फिर वो सेमनी फेरेस्टिब्यूल से मूव आउट करके बाहर आ जाता है उसके लिए एक टर्म यूज होता है जिसे हम बोलते हैं इस पर तो देखो इस पर मिएसन इस पर मेटोजेनेसिस और इस पर मियोजेनेसिस में डिफरेंस याद रखेगा यहाँ से क्वेश्चन आता है तो चलिए इसका आंसर है ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑफ ब्लास्टोसिस्ट देट गिव राइस टू एक्टोडर्म यानी ब्लास्टोसिस्ट का कौन सा एलियर जो है एक्टोडर्म में कन्वर्ट होता है तो उसे बोलते एम्बरीओडिस क्या बोलते हैं एम्बरीओडिस ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है अगर आपको थोड़ा एडवांस पूछेगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ठीक है तो देखो आंसर तो एक्चुअली तो बी पहले होना चाहिए था सी बाद में होना चाहिए था फिर यहाँ पर अल्ट्रपल्टर हो गया है तो हम जो पी में सही कर देंगे आंसर बी है तो बी को ही याद रखना है आपको तो चलिए आंसर बी हो गया नेक्स्ट है द फैटल मिम्ब्रेन दैट प्रोवाइड द फर्स्ट ब्लड कर्पक फॉर सर्कुलेशन इन द ए इज याद रखेगा दोस्तों कि फेटल मतलब फ्यूटस की बात कर रहा है उसमें जो मिम्ब्रेन प्रोवाइड करता है फर्स्ट ब्लड सेल जब ब्लड सेल की जगह कॉर्पस कर लिखा हुआ फॉर द सर्कुलेशन ऑफ इम्बिर इज़ तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा सेक हो जाएगा ठीक है सेक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ यूरिनरी ब्लाडर ऑफ चाइल्ड इन वम्ब बोल रहा है कि यूरिनरी ब्लाडर जो है चाइल्ड में वम्ब का काम करता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एलेंटोइस में किस में एलेंटोइस में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट तो क्वेश्चन है कि टाइप ऑफ क्लीवेज इन एन एग इज डिटरमाइन बाई यानी कि किस टाइप का क्लीवेज होगा यह किस पर डिपेंड करेगा तो अमाउंट ऑफ अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अमाउंट क्या है उसी पे डिपेंड करेगा किस तरह का क्लीवेज होगा किस तरह का क्लीवेज होगा दैट मीन्स डिवीजन होगा तो आंसर आपका ए हो जाएगा अगला क्वेश्चन है एक्टोडर्म प्रोड्यूसेस तो एक्टोडर्म क्या प्रोड्यूस करेगा तो आंसर डी हो जाएगा बी एंड सी दोनों यानी कि प्रोटोडर्म्स एन क्या हो गया एस्टोमैस एस्टोमैडेसियम ये दोनों याद रखना ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है ये भी थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है ये भी याद रखिएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है एग विथ लिटिल योक इज यानी कि ऐसा एग जिसके पास योक जो है बहुत ही कम होता है उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रो लेसिथल माइक्रो मतलब कम होता है और मेगा ए, ए, ए लेसीथल बोलता तो मतलब ह्यूमन एग जो होता है ए होता है क्योंकि उसके पास योक नहीं होता है जिसके जिस एग में योक नहीं होगा उसे ए लिससीथल बोलेंगे जिसके पास बहुत कम होगा उसको माइक्रोलसीथल करेंगे उस जिसके पास योक जो है और योक जो, जो है 50 परसेंट रहेगा उसे बोलेंगे मेजो लेसिथल बोलेंगे आप पोलीलिसल में योक बड़ा होगा ठीक है तो अगर पूछे क्वेश्चन पूछे ह्यूमन एग कैसा होता है तो ए लेसीथल उसके पास कोई योक नहीं होता है अगला क्वेश्चन सीलोम इज़ फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ यानी किसके स्प्लिटिंग से सिलोम बनता है तो आंसर हो जाएगा मेजोडर्म के नेक्स्ट न्यूरल ट्यूब इज़ फॉर्म बाय तो न्यूरल ट्यूब किसका ओरिजिन है एक्टोडर्म का मेजोडर्म का एंडोडर्म का या मेगा स्पोर का तो राइट right आंसर हो जाएगा एक्टोडर्म एक्टोडर्म से ही ओरिजिनेट हुआ है न्यूरल ट्यूब नेक्स्ट है विच वन डेवलप फ्रॉम एंडोडर्म एंडोडर्मल ओरिजिन किसका है नर्वस सिस्टम का यूरिनरी ब्लैडर का आइज का नहीं लीवर कनेक्टिव टिशू हर्ट उसके थाइमस स्पाइनल कोड ब्रेन नहीं लीवर तो है पनक्रियाज भी है थाइमस भी है जिसे थाइराइड बोलेंगे तो आंसर आपका डी हो जाएगा ये सारे के सारे ऑर्गन जो होता है जिसका ओरिजिन होता है एंडोडर्म आंसर हो जाएगा डी नेक्स्ट है विच वन डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म इंडोडर एड्रीनल मेडुला एड्रीनल कोटे ब्लड लिम्फ तो इनमें से जो है एड्रीनल मेडुला जो होता है एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है लास्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डू द थ्री जर्मिनल लेयर डिफ्रेंशिएट तो थ्री जर्म जर्मिनल लेयर जो होता है कब डिफरेंशिएट होता है गेस्ट्रोला में ब्लास्टोला में या क्लीवेज के दौरान या फर्टिलाइजेशन के दौरान देखो क्लीवेज फर्टिलाइजन तो होगा नहीं या तो गेस्ट्रोला होगा या तो ब्लास्टोला होगा तो राइट right आंसर हो जाएगा आपका गैस्ट्रोला क्वेश्चन नंबर वन है विच ऑर्गन एक्सक्रिएट यूरिया इन ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी में इनमें से कौन ऑर्गन है जो यूरिया का एक्सक्रेशन करता है पहला ऑप्शन दिया है डाइजेस्टिव सिस्टम गलत बात है यूनरी ब्लडर गलत बात है किडनी लीवर तो किडनी में तो फिल्ट्रेशन होता है लेकिन यहाँ बोला एक्सक्रिएट की बात कर रहा है तो लीवर हो जाएगा तो आपका राइट आंसर थ्री हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट किडनी टिश्यू दैट आर फॉर्म्ड लाइक कोन आर आर नॉन एज यानी कि किडनी में जो वो टिश्यू है जो कोन लाइक -like, जिसे हम बोलते हैं रेनल पिरामिड देखो किडनी ऐसा होता है किडनी है ये ये है किडनी और ये इसका जो है ये वाला रीज़न मेडुला रीजन है और आउटर रीजन को कॉटेक्स बोलते हैं यहाँ पे कोन जैसा स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से इस तरह से आठ से बारह इसे बोलते हैं हम लोग मेडुला यानी कि सॉरी रीनल पिरामिड तो आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा रीनल पिरामिड्स यानि कि वो मेडुला रीजन में होता है आंसर हो जाएगा थ्री रीनल पिरामिड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री है डैश आर स्मूथ मसल्स फाइबर ट्यूब दैट ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर यानी कि किडनी से यूरेनरी ब्लैडर तक जो यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि स्मूथ मसल्स फाइबर का बना हुआ तो वो है यूरेटर देखो ये है किडनी ये है किडनी यहाँ से यूरेटर के थ्रू जो है यूरेनरी ब्लैडर में जो है यूरिन को ट्रांसपोर्ट करता है ये है यूरेटर ठीक है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टू नंबर नेक्स्ट है कि द बोमेंस कैप्सूल इज़ फाउंड इन बोमेंस कैप्सूल कहाँ पे होगा तो देखिए किडनी का जो दो रीज़न होता है मान लीजिए ये वाला रीज़न इससे नीचे क्या है मेडुला ये है मेडुला और ये आउटर रीजन को कॉर्टेक्स बोलते हैं तो कॉर्टेक्स में बोमेंस कैप्सूल होगा पी होगा और मेडुला रीजन में जो है लूप ऑफ हेनले होगा और डी सी टी कहाँ पर होगा डी सी टी बी कॉटेक्स रीजन पर होगा आपको अगर क्वेश्चन पूछता है कि डी सी टी बोले या पी सी पी सी टी बोले या बोमेंस कैप्सुल बोले वो सभी के सभी कहाँ पर होता है तो कॉटेक्स रीजन में होता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉटेक्स यानी कि एक नंबर सही है नेक्स्ट सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ प्रोटीन लीड टू एक्सक्रिएट ऑफ प्रोटीन से क्या बनेगा यूरिया बनेगा और यूरिया से वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो यूरिया एंड यूरिक एसिड आपका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर ठीक है नेक्स्ट देखो डैश इज़ कंसिडर्ड एज बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी यानी ह्यूमन किडनी का फंक्शनल यूनिट किसे बोलते हैं तो वो होता है नेफ्रॉन नेफ्रॉन को बोला जाता है किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है ठीक है न्यूरॉन तो नर्वस सिस्टम का पार्ट है और न्यूरॉन्स का ही पार्ट होता है एक्जोन, इसमें एक्जोन भी होता है और डेंड्रोन भी होता है तो एक और चार नंबर तो पहले ही गलत हो गया असीलिया सीलिया क्या होता है सीलिया क्या होता है सीलिया जो है वो सरफेस एरिया को बढ़ाता है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा टू नंबर नेक्स्ट है द क्रेब तो क्वेश्चन है द करेब हैंसलेट साइकिल इज सिक्वेंस ऑफ बायो बायोकेमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन तो ये साइकिल देखो ये तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है एनसीईआरटी में हैवी नहीं तो आपको सीधा सीधा याद रख लेना है जो क्रेब हैंसलेट साइकिल होता है वो लीवर में होता है ठीक है तो राइट right आंसर हो जाएगा आपका टू नंबर नेक्स्ट देखो बोमेंस कैप्सुल इज लोकेटेड इन भाई बोमेंस कैप्सुल कहां पे होगा तो कॉर्टेक्स रीजन में होगा तो आपका राइट right आंसर हो जाएगा एक नंबर क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं द डैश इज द पॉइंट वेयर टू और थ्री मेजर रेनल कैलिसेस ज्वाइंट टुगेदर वह पॉइंट बताओ जहाँ पे दो या दो से अधिक रिनल कैलिसस ज्वाइंट होता है तो उसे बोलते हैं रीनल पैलवेस तो आपका राइट आंसर वन हो जाएगा नेक्स्ट देखिए डैश आर ट्यूब मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर द ट्रांसपोर्ट यूरिन टू द यूरिनरी ब्लड फ्रॉम किडनी सेम क्वेश्चन आ गया फिर ये यूरेटर की बात कर रहा है तो आंसर थ्री हो जाएगा नेक्स्ट है नाइट्रोजनस वेस्ट एक्सक्रिएट थ्रू द यूरिन इन ए ह्यूमन ईज तो ह्यूमन बींग की बात कर रहा है कि ह्यूमन बींग में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा क्या होगा यूरिया होगा अमोनिया होगा या यूरिक एसिड होगा तो अमोनिया जो होता है जो वाटर में रहने वाले जितने भी एनिमल हैं अमोनिया होगा और लैंड सरफेस पर रहने वाले यूरिया होता है यूरिक एसिड तो बर्ड्स वगैरह में होता है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फोर नेक्स्ट डैश इज अस्टिन डिस्टेंसीबल होलो मस्कुलर सेक लाइक सेक लोकेटेड इन द पेल्विक जस्ट बिलो द प्यूबिक बोन तो वो क्या होगा बोमेंस कैप्सूल की बात कर रहा है या यूरेनरी ब्लैडर की बात कर रहा है या यूरेटर की बात कर रहा है तो आपका राइट right आंसर हो जाएगा यूरेनरी ब्लैडर क्योंकि मस्कुलर सेक है थैले जैसा स्ट्रक्चर है होलो है क्योंकि उसमें यूरिन भरा हुआ रहेगा चलिए नेक्स्ट है द सेंथेसाइज मोस्ट ऑफ द द्रेटिव कंपाउंड इन द ह्यूमन एंड इज एलिमिनेटेड थ्रू तो एलिमिनेट किसके थ्रू होता है लीवर और यूरिन के थ्रू किडनी और यूरिन के थ्रू बाइल एंड बाइल जूस या ऑल दिस एव तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लीवर एंड यूरिन नेक्स्ट आंसर वन हो गया नेक्स्ट डैश इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकवरी ऑफ वाटर एंड सोडियम क्लोराइड फ्रॉम द यूरिन यानी कि ये किस मानी नेफ्रोन का वह पार्ट जो रिकवरी करता है वाटर यानी उसमें क्या होगा रिओब्जॉपन होगा वाटर का सोडियम का एंड क्लोराइड आयन का फ्रॉम द यूरिन तो क्या होगा वो बोमेंट्स कैप्सूल या यूरेटर या लूप ऑफ हैं तो आपका राइट right आंसर हो जाएगा लूप ऑफ नेक्स्ट क्योंकि लूप ऑफ हैं में ही काउंटर मेकानिज्म होता है ठीक है अगला है द डैश आर किडनी टिशू दैट आर सेप्ड लाइक कौन यानी कौन जैसा होगा तो ये भी है रीनल पिरामिड की बात कर रहा है आंसर ए वन हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर सेल्स प्रजेंट इन अ बोमेंस कैप्सूल दैट रेप अराउंड द कैपलरी ऑफ द ग्लोमेरुलस। तो उसे बोलते हैं हम लोग क्या जाइमोजेनिक सेल या एंटेरक्रोमेफिन लाइक -like सेल पर्राइटल सेल या प्रोसाइट यानी ग्लोमेरुलस की बात कर रहा है कि डैश आर द प्रजेंट इन बोमेंस कैप्सूल दैट रेप अराउंड द तो यानी कि ये हो जाएगा पोडोसाइट आंसर हो जाएगा फोर नेक्स्ट है देश यानी पोडोसाइट जो होता है वोमेंस कैप्सूल के वमेंस कैप्सूल के जो है इनर लेयर में होता है ठीक है ये वाला ऐसे देखो थोड़ा सा ये इस टाइप से का है वोमेंस कैप्सूल कपला की स्ट्रक्चर है यहाँ पे इसमें जो सेल है वो है पोडोसाइट यहाँ पे सिलिड बनाता हल्का हल्का ठीक है जिससे क्या होगा ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट बोमेंट्स स्पेस में आएगा ठीक है नेक्स्ट है डैश इज़ अ कंडीशन करेक्टराइज बाय परजेंस ऑफ रेड ब्लड सेल इन द यूरिन अगर यूरिन में रेड ब्लड सेल आ रहा है तो इसके लिए कौन सा कंडीशन बोला जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हेमाटो यूरिया हेमेटो यूरिया ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट है डैश इज अ येलो पिगमेंट दैट इज फॉर्म आफ्टर डेड ब्लड सेल आर प्रोसेस्ड इन अ लीवर इट ऑल्सो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर इन यूरिन तो क्या हुआ जेंथिन या यूरोक्रोम या केरोटेनाइट्स तो आपका राइट टू नंबर यूरोक्रोम आंसर है टू नेक्स्ट डैस प्रोड्यूसेस यूरिया एज ए एक्सक्रेटरी सब्सटांस इन ए ह्यूमन बॉडी तो यूरिया प्रोड्यूस कहाँ होता है तो आपको आंसर देखना है किडनी में प्रोड्यूस होता है नहीं यहाँ पे तो फिल्ट्रेड होता है यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है यहाँ पे तो प्रोड्यूस होता है लीवर में प्रोड्यूस होता है लीवर में तो आपका राइट right आंसर हो जाएगा टू नेक्स्ट देखो डैश इज़ अ नेटवर्क ऑफ टाइनी ब्लड वेसल्स लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ नेफ्रॉन 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 के बिगनिंग में जो टाइनी ब्लड वेसल्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं रीनल रीनल कैलिसेस या फिर उसे बोलते हैं रीनल पिरामिड या बोमेंस कैप्सूल या ग्लोमेरुलस तो ये होता है ग्लोमेरुलस आंसर right फोर हो जाएगा आपका ये देखिए ये है आपका बोमेंस कैप्सूल और यहाँ पे क्या है ब्लड कैपलरी यानी कि टाइनी ब्लड वेसल्स इधर से एफरेंट आर्टियोल आएगा इधर से एफरेंट आर्टियोल चला जाएगा ठीक है यानी कि एफरेंट से ब्लड आएगा और एफरेंट से एग्जिट हो जाएगा जहाँ पे फिल्ट्रेट बनेगा यानी स्टार्टिंग पॉइंट तो यहीं से हुआ ना तो इसी को बोलते हैं हम लोग ग्लोमेरोलसन तो मालपीजियन यानी बोमेंस रिनल कर्पसकल आकर्षिन तो कहाँ पे होता है तो देखिए ये पहली बात तो ये किडनी में होगा ठीक है किडनी का होता है दो पार्ट एक होता है क्या सेंट्रल पार्ट एक होता है पेरीफेरी पार्ट पेरीफेरी वाला पार्ट को बोलते हैं कॉटेक्स और सेंट्रल पार्ट को मेडुला बोलते हैं ठीक है थिके? तो मान लो ये क्या है इधर है मेडुला और ऊपर है कॉर्टेक्स ठीक है तो कॉटेक्स में क्या होगा कॉटक्स में होगा लूप ऑफ हैं का क्या बोमेंस कैप्सूल होगा ऐसा बोमेंस कैप्सूल होगा और पी होगा और नीचे क्या लूप ऑफ हेल्ले होगा उसका डी ऊपर होगा फिर इसके साथ जो है कलेक्टिंग डक्ट के साथ हो जाएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है बोमेंस कैप्सूल तो बोमेंस कैप्सूल तो ये है तो आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा कॉटेक्स हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाँ तो आंसर हो गया आपका बी कॉटेक्स नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाई ऑप्शन नंबर वन अल्डेस्टेर अल्डेस्टेर एंड ए डी एच अल्डेस्टेर ए एंड टेस्टेस्टेरोन तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए यानी कि वेसोप्रेशीन जिसे बोलते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका डी नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज़ कंट्रोल्ड बाय यूरिन का कंसंट्रेशन को कंट्रोल कौन करता है अभी बताएं ए जिसका नाम है वेशोप्रेशीन यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर नेक्स्ट है किडनी स्टोन इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू तो किडनी स्टोन क्यों होता है डिपोजिशन ऑफ सेंड पार्टिकल नहीं प्रिसिपटेशन ऑफ प्रोटीन्स नहीं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्जलेट्स यानी कि जैसे टमाटर वगैरह खाएंगे आप तो उसमें ऑक्जेलिक एसिड होता है और अगर आप पानी कम पीजिएगा तो ऑक्जेलेट आयन जो है आपका जमा होना एकूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा उससे क्या होगा किडनी स्टोन हो जाता है तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा नेक्स्ट प्रजेंस ऑफ आर बी सी इन यूरिन इज कोल्ड यानी कि यूरिन में अगर आर बी सी प्रजेंस होता है तो उसे क्या बोलेंगे देखो आर बी सी में होता है हेमोग्लोबिन हेमोग्लोबिन में आता है हीम ग्रुप यानी आयरन ग्रुप तो यानी कि हेमाटो यूरिया ऐसे ही याद रखेंगे इसको तो आपका राइट right आंसर हो जाएगा बी नंबर नेक्स्ट द ब्लड वेस्स टेकिंग प्लेस ऐसा है द ब्लड वेसस टेकिंग ब्लड यानी फॉर्मिंग ग्लोमेरुलर इन टू द वोमेंस कैप्सूल ये अच्छा अच्छा इससे क्वेश्चन बोलता है देखो ये बोमेंस कैप्सूल है एक सेकेंड ये है वोमेंस कैप्सूल इधर से एफरेन आर्टियोल आया यहाँ पर क्या बना ग्लोमेरुलर्स फिर एफरेन आर्टियोल भर आया तो ब्लड लेके आ रहा है कौन एफरेन आर्टिल यहाँ पे ग्लोब्रल्स बना फिर इफरेंट आर्टिकल से बाहर चले जाएगा जा तो आंसर हो जाएगा ए नंबर नेक्स्ट ऑर्नीथिन साइकिल इज रिलेटेड टू ऑर्नीथिन साइकिल रिलेटेड होता है एक्सक्रेशन से यानी यूरिन फॉर्मेशन से जो लीवर में होता आंसर हो जाएगा बी नंबर नेक्स्ट यूनिफेरस यानी नेफ्रॉन टिब्यूल्स आकर्सिन यानी नेफ्रॉन का टिब्यूल्स पार्ट कहाँ पे होता है किस किस में होगा यूनिफर्स टिब्यूल यानी नेफ्रॉन किस में होगा तो सिंपल सी बात है नेफ्रॉन तो किडनी में होता है ओवरी में तो होगा नहीं टेस्टिस में तो होगा नहीं स्टमक में तो होगा नहीं आंसर डी हो जाएगा नेक्स्ट हैंडले लूप इज फाउंड इन तो हैंडले लूप किस में होता है तो हैंडले लूप होता है कि नेफ्रॉन में नेफ्रॉन किस में होता है तो किडनी में आंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट द टू किडनी लाइज तो किडनी जो रहता है एक बात याद रखेगा कि एक किडनी ऊपर एक किडनी नीचे होता है ये बात हमेशा याद रखना है कि लेफ्ट किडनी जो होता है हाई लेवल पे हो थोड़ा सा हाई रहेगा किससे राइट से तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर क्योंकि राइट साइड में होता है लीवर होता है लीवर जो है राइट वाला किडनी को थोड़ा नीचे दबा देता है नेक्स्ट विच विच वन इज नॉट सप्लाइड एक्सक्लूसिवली विथ इन वॉलेंट्री मसल्स क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट सप्लाइड एक्सक्लूसिवली विथ इन वॉलेंट्री मसल्स तो ये होता है में आंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट हैंडले लुप अकर्सन लूप कहाँ होता है नेफ्रोन मेमल्स आंसर हो जाएगा किसमें सी नंबर नेक्स्ट द सेल नेम पोडोसाइड अकर्सन देखो ये है ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल ये है बोमेंस कैप्सूल यहाँ पे होता है ग्लोमेरुलस तो इसका इनर वाला लेयर आउटर लेयर तो ग्लोमेरुलस के जो इनर लेयर होता है यहीं पे क्या होता है पोडोसाइट जो छोट बनाता है सिलिड बनाता है जिससे क्या होगा फिल्ट्रेट आ जाएगा ग्लोमेरुलर स्पेस में तो आंसर है इनर वाल ऑफ बोमेंस कैप्सूल ए नंबर नेक्स्ट एक्वाटिक रेप्टाइल्स आर एक्टिक रेप्टाइल जो पानी में रहने वाले रेप्टाइल्स हैं वो क्या होता है तो सिंपल सा आंसर है सी एमेनोटेलिक यानी अमोनिया जो रिलीज करता है वाटर और क्या होगा यूरिकोटेलिक ऑन लैंड जो लैंड में होगा वो क्या होगा यूरिकोटेलिक होगा तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर नेक्स्ट ब्लड विच लीव लीवर एंड पासिस टूआर हर्ट हैज़ हायर कंसनट्रेशन ऑफ देखो ये क्वेश्चन ये है कि ब्लड जो है लीवर से निकलने के बाद कहाँ जाता है हर्ट के पास तो उसमें कंसनट्रेशन किसका ज़्यादा होगा तो यूरिया का होगा आंसर हो जाएगा डी नंबर नेक्स्ट कंसनट्रेशन ऑफ यूरिन इन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन तो जितना बड़ा जो होगा लेंथ होगा किसका जिसका जितना ज़्यादा लेंथ होगा लूप ऑफ लेगा उतना ज़्यादा कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा किसका यूरिन का आंसर हो जाएगा ए नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिन इज ऑलवेज फ्लूड एक्सेप्ट इन तो रेप्टाइल्स और एम्फीबियन में यूरिन जो था फ्लूड रूप में होता है बिल्कुल होता है बर्ड्स और रेप्टाइल्स में नहीं बर्ड्स में नहीं होता है बर्ड्स में पेस्ट और पैलेट के रूप में होता है आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर नेक्स्ट देखो कुछ फिगर बेस्ड क्वेश्चन है देखा जाए क्वेश्चन है देखो फाइंड आउट द करेक्ट लेवल सबसे आउटर में ए है बी है सी है डी है और ई e है तो देखिए सबसे पहले ई e देखिए ई e क्या होगा जो किडनी से बाहर जाता है यूरिन को लेकर यूरेटर तो यूरेटर देखो ई e किसमें किस में यूरेटर है यहाँ देखो पहला नंबर देखो यूरेटर है इसमें नहीं कॉर्टेक्स दिया है पेल्विस दिया है यूरेटर दिया है यूरेटर दिया है यूरेटर दिया है यानी कि ये डी और ई e आंसर तो पहले ही गलत हो गया है ठीक है दूसरा देखो ऑप्शन अब अब दूसरा ऑप्शन देखो देखो डी नंबर क्या है पेल्विस है कहाँ पे डी में पेल्विस है देखो डी में पेल्विस है और डी में मेडुला है मेडुला हो सकता है नहीं होगा यहाँ भी पेल्विस है ये आंसर गलत हो गया या तो ए होगा या तो सी होगा ए नंबर देखो ए क्या है ये है नेफ्रॉन तो ए नंबर को देखें नेफ्रॉन है ए नंबर नेफ्रॉन हो जाएगा इसी तरह अब बी हो गया कॉर्टेक्स एंड सी हो गया मेडुला एंड डी हो जाएगा पेल्विस और ई e हो जाएगा यूरेटर तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर नेक्स्ट ये नेफ्रोन देखो देखिए इन द कंपेनिंग डायग्राम ऑफ यूरिन फॉर्मेशन आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी ए में क्या होता है प्रेशर फिल्ट्रेशन प्रेशर फिल्ट्रेशन सब में है यहाँ पे भी प्रेशर फिल्ट्रेशन है यहाँ पे भी यहाँ पे भी सी में नहीं है ये तो कलेक्शन ऑफ यूरिन हो ही नहीं सकता है डी नंबर रिओवजोप्शन यहाँ पे तो रिजर्जेशन होगा नहीं या तो ए होगा या तो बी होगा अब देखो बी में क्या कह रहा है बी है पेरी ट्यूल क्या पे तो रिओवजोपन हाँ बिल्कुल है उसमें भी रिओवजोशन दिया है क्या बी में सेक्रेशन दिया गलत बात है डी देखो डी में क्या होता है उसका पहले सी देख लो सी आपका हो गया क्या सी में सेक्रेशन हो रहा है हाँ सही है और डी में है क्या कलेक्शन ऑफ यूरिन जो कलेक्टिंग डक्ट है तो आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा आप इसका पीडीएफ ले लीजिएगा और अच्छे से देखिएगा थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट हो गया बहुत मज़ा आएगा इसी तरह का क्वेश्चन आता है ठीक है इन द गिवेंड डायग्राम व्हाट डज ए रिप्रेजेंट रीनल पेलविस आंसर हो जाएगा डी Renal रिनल कोटेक्स ये रीनल कोटेक्स नहीं होगा भाई रीनल पेल्विस हो गए ठीक है आंसर गलत दिया है आंसर हो जाएगा आपका रीनल पेल्विस बी नंबर होगा हम सही कर देंगे ठीक है एमंग द लेवल ए एंड डी ए टू डी ऑफ द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम सेलेक्ट ऑप्शन विथ करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ एन फंक्शन सबसे पहले ए के बारे में क्या दिया हुआ ए है क्या एड्रीना ग्लैंड है बिल्कुल सही बात है और लोकेस लोकेटेड एट द एंटेरियर पार्ट ऑफ किडनी सही है सेक्रेट कैट कैटकोलमाइन विच स्टिमुलेट द ग्लाइकोजन नहीं 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 यह तो गलत है भाई ये है सही यही है सही बी नंबर है सही एड्रीना ग्लैंड है एड्रीना ग्लैंड है उसके बाद लोकेशन कहाँ है उसका एंट्री है पार्ट ऑफ द किडनी में और सेक्रेट करता है कैट के बिल्कुल सही है नेक्स्ट देखो मैच द दे कोलम वाला है पीसीटी 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 में क्या था तो मैक्सिमम रिजर्वेशन होता देख तो कहाँ पे है ए का हो जाएगा क्या यानी एक्स का हो जाएगा फिल्ट्रेट इज आइसोटोनिक टू द ब्लड प्लाज्मा हाँ सही है दूसरा डी को देखो डी सी टी डी सी टी असेंडिंग लुप ऑफ हेल्ब ऑपोनन टू द इट हाँ बिल्कुल सही है असेंडिंग के बाद डी सी टी आता है तो ये भी यहाँ पे ये यह हो जाएगा ये यहाँ पे हो जाएगा ठीक है डिसेंडिंग लुप ऑफ हेनले क्या होता है फिल्ट्रेट द हाइपरटोनिक इन प्लाज्मा हाँ ये भी सही है तो इसका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ए आर हो जाएगा तो आंसर इस तरह से तो क्या होता है एक्स का एस एक्स का एस यहाँ पे है यहाँ पे है वाई का पी वाई का पी यहाँ पे जेड का क्या है क्यू तो वहाँ पे आर है तो ये गलत हो जाएगा आंसर हो जाएगा डी नंबर ठीक है इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे भी पार्ट ऑफ नेफरन और उसका फंक्शन के फंक्षन से रिलेटेड दिया हुआ है देखो प्रोक्सिमल कन्वीलेटेड टी वी यानी कि पीसीटी की बात कर रहा है इसमें क्या होता है फैकल्टेड हाँ पहले देख लो इसका तो पीसीटी जो है पीसीटी सी री एबजन ऑफ सोडियम न्यूट्रॉ पी सी टी इम्परमेबल टू सोडियम नहीं गलत बात है इम्परमेबल टू वाटर नहीं यहाँ से कोई मतलब नहीं पी सी टी से फैकल्टेटिप रीऑबजॉर्पन ऑफ वाटर सोडियम एंड रीऑबजॉर्पन ऑफ न्यूट्रन एंड सोडियम तो हमको तो एक का लगता है चार दूसरा देखो डी सी टी डी सी टी डी सी टी का हो जाएगा फैकल्टेटिप ये वाला तीन नंबर तीन नंबर ठीक है बी का तीन डिसेंडिंग ऑफ लूप ऑफ एंड लै इम्परमिएबल टू सोडियम आयन इसका एसेंडिंग वाला इम्पेक्ट वाटर का तो यानी कि डी का हो जाएगा एक नंबर डी का कहाँ गया डी का हो जाएगा दो नंबर तो ये, ये दोनों में है और सी का एक नंबर ये दोनों में है उसके बाद ए का हो जाएगा चार नंबर तो आंसर हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा सी नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी ऑफ नेफ्रॉन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ए देखो ए क्या है ग्लोमेरोलस है बिल्कुल सही बात है अ टफ ऑफ कैपिलरी फॉर्म बाय द एफरेनाडो ये सही है बिल्कुल सही है यही बताए थे कि ये है आपका ग्लोमेरुलस ठीक है एफरेन आर टी ओल डिवाइड हो गया री डिवाइड हो गया बहुत सारा ये क्या बनाता है ब्लड कैपलेड़ी बना लेता है जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस ठीक है, है? इसी को टफ्ट ऑफ एफरेन आर्टील बोलते हैं ठीक है यानी कपे कैपरडी बोलते हैं ठीक ये हो गया एफरेन आरटीओल ये एफरेन आर्टील ये ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस किस में किससे बना है एफरेन आर्टील का उसी से बना है ठीक है यानी ये ये भी याद रखेगा कि एक ऐसा कैपलेड़ी है जो दो आर्टरी के बीच में है इसका नाम है ग्लोमेरुलस एफरेन आर्ट्यूल और एफरेन आर्ट्यूल के बीच में होता है ठीक आंसर ए हो जाएगा नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस क्रिएट हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इन यूनिफेस टिब्यूल पहला एक्टिव सेक्रेशन ऑफ सोडियम आयन एफरेन आर्टियोल फॉलोड बाई क्रोडिन सेक्रेशन नहीं एक्टिव सोडियम एब्जॉर््शन फॉलोड बाई द क्रोडिन एब्जॉर्बसन सही बात है यह क्या कराता है बी नंबर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को हाई कराता है बढ़ाता है ठीक है आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर क्वेश्चन है कि द मूवमेंट विच रिजल्ट इन चेंज ऑफ प्लेस चेंज ऑफ प्लेस और लोकेशन इज़ कोल्ड यानी ऐसा मूवमेंट जिसमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाया जाए यानी कि पोजीशन ए से जो है पोजीशन बी में गया तो उस तरह का मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं तो वो होता है लोकोमोशन एन का लाइन है यही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट देखिए अमीबा शो मूवमेंट विथ हेल्प ऑफ अमीबा किसके हेल्प से लोकोमोशन करता है तो वो है सीडोपोडिया सुडोपोडिया के हेल्प से अमीबा क्या करता है लोकोमोशन करता है तो आंसर हो गया आपका एक नंबर नेक्स्ट डैश सर्कुलेट ब्लड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इनमें से क्या है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट यानी अलग अलग पार्ट को ब्लड को सर्कुलेट करता है यानी ब्लड को भेजता है तो इसका राइट आंसर पंपिंग ऑफ हार्ट हार्ट जब पंप करता है ब्लड को तो पूरे बॉडी पार्ट में भेज देता है ठीक है तो आपका राइट आंसर टू हो गया नेक्स्ट द टू सेल ऑफ बॉडी विच सो सीडोपोडियल मूवमेंट आर यानी हमारे बॉडी में दो ऐसा सेल का नाम बताइए जो सीडोपोडियल मूवमेंट करता है तो सीडोपोडियल मूवमेंट क्या होता है तो जैसे ये अमीबा है यहाँ पे फूड खाना है उसको इनगल्फ करना है तो अपना बॉडी मास को आगे बढ़ाता है इस तरह से तो ये जो बॉडी मास को आगे बढ़ा इसी को बोलते हैं सीडोपोडिया या इसे फॉल्स फूट बोलते हैं तो हमारे बॉडी में इस तरह का कौन कौन सेल मूवमेंट करता है तो वो है डब्ल्यू और मैक्रोफेज तो राइट आंसर टू हो जाएगा आपका नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिदमिकली टू प्रोड्यूस मूवमेंट यानी इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है रिलैक्सेशन होता है और इसकी वजह से मूवमेंट होगा तो सिंपल सी बात है वो होता है मसल्स में क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है तो आंसर हो गया आपका थ्री नंबर देखो थ्री फोर में हो गया है तो आपको याद रखना है नंबर से याद रखेगा ठीक है थीके? थोड़ा उल्टा हो गया है तो थ्री ए हो गया हम उसको पी में ठीक कर देंगे नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लोकोमोशन लोकोमोशन यानी कि इनमें से कौन लोकोमोशन का फंक्शन नहीं है लोकोमोशन में क्या होता है पहली बार याद रखना है कि चेंज इन प्लेस यानी एक प्लेस से जो है दूसरे प्लेस तक मूवमेंट होना चाहिए उसी को लोकोमोशन बोलते हैं तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में प्लेस का चेंज नहीं होता इसलिए आपका राइट आंसर तीन हो जाएगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आंसर हो गया थ्री नेक्स्ट देखो कि मसल्स इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू मसल्स क्या है एक तरह का स्पेशलाइज टिश्यू है विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम किससे ओरिजिन होता है एडोडर्मल मीजोडर्मल एक्टोडर्मल या से तो राइट right आंसर हो जाएगा आपका मीजोडर्मल मसल जो होता है मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है द स्पेशलाइज सेल दैट मेक अप द मस्कुलर टिश्यू आर न्यूरोब्लास्ट नहीं न्यूरोब्लास्ट तो नर्वस सिस्टम को बनाता है ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट तो बोन के लिए है ऑस्टियोसाइट जहाँ पे ऑस्टियो लगा हुआ रहेगा वो बोन का होता है तो बोन बोन का फेगोसाइटिक सेल है ये मायोसाइट हाँ यही सेल है जिससे क्या आता है मसल्स का फॉर्मेशन होता है तो आपका राइट right आंसर क्या हो जाएगा फोर नंबर अगला है कि ह्यूमन बॉडी कंटेन हाउ मेनी मसल्स यानी ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स होते हैं तो मसल होता है सिक्स थर्टी नाइन और बोन कितना होता है बोन बोन होता टू जीरो सिक्स दो है आंसर हो गया आपका टू नंबर नेक्स्ट है कोलेजेनियस सीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू लेयर होल्डिंग ऑल द मसल्स बंडल टुगेदर तो वो है फेसिया फेसिया ये फेसिया ठीक है फेसिया आंसर फोर हो जाएगा नेक्स्ट अब बंडल ऑफ मसल्स फाइबर इज कोल्ड मसल्स फाइबर के बंडल को क्या बोलते हैं तो मसल्स फाइबर के बंडल को बोलते हैं हम लोग फैसिकुलस 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 बोलते हैं नेक्स्ट असित कवरिंग अ सिंगल बंडल ऑफ मसल्स फाइबर इज यानी कि मसल्स फाइबर के कवरिंग यानी चारों ओर जो सीत होता है उसे हम लोग बोलते हैं उसे उसे क्या बोलते हैं यही आंसर मतलब तो क्वेश्चन पूछ रहा है वो सीत का नाम क्या है एपी माइशियम इंडोमाइसियम माइशियम इंडोमाइशियम या मिजोडर्म मिजोडर्म तो होगा नहीं या तो पेरी होगा एपी होगा तो इंडोमाइसियम हो गया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा थ्री नंबर पेरी माइशियम यहाँ पर भी थोड़ा सा उल्टा हो गया है यही आंसर है हम फिर यहाँ टिक कर देंगे पी में नेक्स्ट टेंडन कनेक्ट टेंडन क्या होता है जो बोन और मसल्स को कनेक्ट करने का पोजीशन को टेंडन बोला जाता है और जो बोन और बोन को कनेक्ट करता है उसे हम लोग बोलते हैं लिगामेंट क्या बोलते हैं लिगामेंट बोलते हैं ठीक है क्वेश्चन है द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ मसल्स फाइबर इज जिन मसल्स फाइबर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि सेल मिम्ब्रेन को हम बोलते हैं सार्कोलेमा ठीक है ये साइटोप्लाज्म है सार्कोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये है क्या प्लाज्मा मिम्ब्रेन ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है और सार्को प्लाज् रेडिकोलम इंडो को बोलते हैं मसल्स के लिए आंसर टू हो गया सार्कोलेमा नेक्स्ट डार्क बैंड परजेन ऑन इज़ एन आइसोट्रोपिक बैंड बोलते हैं एकदम एन सी आर टी का लाइन है कुछ उठा के दे दिया है आपको जो है सीधा सीधा एन आइसोट्रोपिक बैंड बोलना और लाइट बैंड बोलता तो हो जाता है आइसोट्रॉपिक बैंड ठीक है या आई बैंड एन आइसोट्रोपिक बैंड को ए बैंड भी बोला जाता है ठीक एम लाइन पासेस सेंटर ऑफ एम लाइन कहाँ से पास करता है किसके सेंटर से जेड लाइन जेड डिस्क के या फिर आई बैंड के या फिर एच एम एम के यानी कि ही भी मेरो के या फिर एच जोन के पहली बार याद रखेगा ये मान लिया आपका क्या है मायोसिन है ये मायोसिन है ठीक है ये क्या एक्टिन है ये है एक्टिन ये एक्टिन एक्टिन ठीक ये जेड लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ए बैंड बोलते हैं ये आई बैंड है ये आई बैंड है ठीक है यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है किसका एक्टिन uh, और मायोसिन का उसको बोलते हैं एच जोन इसी के सेंटर पे एम लाइन होता है तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा एच जोन नेक्स्ट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल फाइब्रिल विच कॉन्ट्रैक्ट टू काउज मूवमेंट इज कोल्ड तो सार्कोमियर बोलते हैं यानी कि दो जेड लाइन के बीच में यह है जेड लाइन ये है जेड लाइन ये है एक्टिन, एक्टिन, एक्टिन एक्टिन इसके बीच में मायोसिन है यह है मायोसिन ठीक है जब यह है जेड लाइन यह है जेड लाइन दोनों आप मतलब एक एक ही तरफ आता है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या आता है मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो यहाँ से दो जेड लाइन के बीच का दूरी को हम बोलते हैं डिस्टेंस को बोला जाता है सार्कोमेयर सार बोला जाता है यही है कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट मसल्स का आंसर टू हो गया यहाँ पे भी थोड़ा आगे पीछे हो गया है ये आंसर है ठीक है नेक्स्ट सार्कोमियर कंसिस्ट ऑफ सार्कोमियर में क्या होता है अभी तो बताएं जैसे ये जेड लाइन है ये जेड लाइन है ये क्या है एक्टिन है एक्टिन है एक्टिन है मायोसिन है ये एक्टिन इतना को बोलते हैं आई बैंड ये आई बैंड इधर भी आई बैंड यानी कि हाफ़ आई बैंड इधर होता है हाफ आई बैंड इधर होता है और यहाँ पर भी क्या हो? हाँ होगा हाफ आई बैंड होगा और ये पूरा ए बैंड हो जाएगा तो यहाँ से लेके कर यहाँ तक यहाँ से लेके कर यहाँ तक यानी कि दो जेड लाइन के बीच दो जेड लाइन के बीच को बोलते हैं सार्कोमियर तो मेयर में क्या हो गया कि दो हो जाएगा हाफ आई आई बैंड तो इधर से हाफ आई बैंड इधर से हाफ आई बैंड और एक फुल हो जाएगा ए बैंड तो देखो कहां पे है कहाँ गया टू हाफ आई बैंड और वन ए बैंड तो आंसर फोर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन ऑफ द प्रोटीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ माओफिलािन थीन फिल्म यानी कि यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द प्रोटीन इज नॉट अ पार्ट ऑफ थीन मायोफिलाेंट एंड थीन किसको बोलते एक्टिन का कौन पार्ट नहीं है मायोसिन ट्रोपोमायोस ट्रोपोनिन एक्टिन एंड ट्रोपोमायोसिन तो मायोसिन नहीं है आंसर वन हो गया ठीक है अगर मान लीजिए है आपका एक्टिन का फिलामेंट है थीन फिलामेंट तो इसके ऊपर एक और फिलामेंट होता है इस तरह से ट्रोपोमायोसिन का होता है ठीक है इसी के पैरल एक रेगुलर इंटरवल में जो है रेगुलर इंटरवल में जो है ट्रोपोनिन रहता है रेगुलर इंटरवल में ट्रोपोनिन रहता है रेगुलर इंटरवल में ट्रोपोनिन रहता है ठीक है तो यानी ये हो गया थीन फिलामेंट ये है थीन फिलामेंट थीन फिलामेंट थीन फिलामेंट की बात कर रहा है तो मायोसिन नहीं होगा बाकी सब तो ट्रोपोनिन भी है एक्टिन भी है ट्रोपोमायोसिन भी है आंसर हो गया आपका एक नंबर नेक्स्ट द मोनोमेरिक प्रोटीन विच पोलीमराइज टू फॉर्म मायोसिन तो मीरोमायोसिन मायोसिन का मोनोमर क्या होता है देखो मायोसिन एक पोलीमर फॉर्म है उसका मोनोमर होता है मीरो मायोसिन आंसर दो हो जाएगा नेक्स्ट देखो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हैवी म्योमायोसिन एच एम एम इसको बोलते हैवी मेरोमायोसिन लाइट मेरोमायसिन ठीक है आप यहाँ पे देखो कि हेवी मेरो टेल टेल एंड शॉर्ट आर्म उसके बाद लाइट मेरोमाइसिन बोल रहा है कि टेल एंड हेड। हैवी हे मेरोमाइसिन में क्या बोल रहा है हेड एंड शॉर्ट आर्म तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा कि हेवी मेरोमाइसिन में हेड होगा और शॉर्ट आर्म होगा तीन आंसर हो जाएगा थर्ड ठीक है नेक्स्ट देखो ए बाइंडिंग साइट इज लोकेटेड इन ए बाइंडिंग साइट किस में होता है मायोसिन में होता है आंसर थ्री हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मसल्स फिटिक अकर्स ड्यू टू अकूमुलेशन ऑफ मसल्स में मसल्स में थकान होता है मसल्स फिटिक होता है किसके अकूमुलेशन से यानी कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के अपसे में टूटता है तो होता है लैक्टिक एसिड इसी की वजह से क्या होता है मसल्स में मसल्स फिटिक होता है ठीक है मसल्स में लैक्टिक एसिड जम जाता है यानी एकूमलेशन हो जाता है तो राइट right आंसर आपका हो जाएगा तीन थी नंबर ठीक है नेक्स्ट सेलेक्ट द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाटर करेंट इन कनाल सिस्टम स्पॉन्जेस तो ये होगा बीटिंग ऑफ फ्लेजिला आंसर फोर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल्स पार्ट ऑफ माई बिटवीन कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट तो आपको पता ही होना चाहिए दो जेड लाइन एक जेड लाइन ये है एक जेड लाइन ये है ठीक है उसके बाद देखिए ये है एक्टिन फिलाेंट ये है एक्टिनफिलामेंट ये है एक्टिन फिलाेंट ये है एक्टिन फिलाेंट इसको जेड लाइन बोले हैं इसको जेड लाइन बोले हैं ठीक है आगे देखिए ये है क्या मायोसिन मायोसिन फिलामेंट है ये ठीक है यहाँ से लेकर कर यहाँ तक इसको बोलेंगे हम लोग ए बैंड यहाँ से लेकर कर यहाँ तक आई बैंड इधर भी हाफ आई बैंड इधर हाफ आई बैंड इधर होता है तो दो जेड लाइन का जो बीच का डिस्टेंस है इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाई यूनिट यानी कि सार्को मेयर बोलते हैं तो राइट आंसर देखिए कहाँ पे है जेड लाइन एंड आई बैंड नहीं जेड लाइन एंड यहाँ पे लाइन होगा जेड लाइन होगा ठीक है तो आंसर हो, हो जाएगा टू आंसर टू हो जाएगा वहाँ फोर जेड फोर एनी दिया हुआ ना तो वहाँ पे हो जाएगा ये जेड लाइन ठीक है आंसर हो जाएगा फोर इस तरह से जो है ट्वेंटी फाइव एम सी क्यू डिस्कस कर लिए हैं जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेपचुअल भी है बहुत इम्पोर्टेंट भी है आप इसे क्या कीजिएगा एक बार तो इसे देख लें एक बार वन पॉइंट फाइव के का एक्स का स्पीड में देख लीजिए कितना मिनट लगेगा पाँच मिनट उसके बाद इसका पी डी एफ को डाउनलोड कर लीजिए जब भी ये चैप्टर रिवाइज़ कीजिएगा आपको क्वेश्चन कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा यहीं से मिल जाएगा सारा का सारा क्वेश्चन ठीक है और जितने भी पी वाई के होंगे हम आगे अगला जो लेक्चर आएगा उसमें डिस्कस कराएंगे तो थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग